हेलो गाइस, मेरे पापा का एनिवर्सरी है। आप तो एग फ्रूट करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज है 19 जून और मेरी एनिवर्सरी है। आज मेरी शादी को हो गए पूरे 10 साल। एक शख्स पूरे 10 साल होने के खुशी के अंदर बड़ा दुख हो रखा है। बोले हैं 10 साल मेरे जैसे जल्लाद के साथ रहते हुए 10 साल हो गए इस लुगाई को। मेरे जैसे तो मैं लुगाई हूँ, उसका मतलब तो है। मैंने क्या बोला? देखो बातों को पकड़ने से ज्यादा आता है। हाँ तुम्हारे लिए क्या कह रहा था मैं? बड़ी बड़ी फूट लग रही है, तुम बड़ी सुंदर सुंदर लग रही हो। क्या चक्कर? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ मैं, सोचा है मैंने तगड़ा वाले दो गिफ्ट है। चल तीन गिफ्ट है तुम्हारे लिए, पक्का तीन गिफ्ट है। अभी नहीं बताऊंगा, तुमको पैक करके दूंगा या बिना पैक किए भी दे दूंगा। पैक करके दूंगा, नहीं पैक करके दूंगा, नहीं ना गिफ्ट है ना, ऐसे बताया थोड़ी जाता, दिया थोड़ी जाता है। अरे पता नहीं कैसा कितना गंदा सा लग रहा हूँ मैं, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही थी। हाँ तो गिफ्ट बताया थोड़ा जाता है। मैंने इसके लिए एक, मैंने बताया था आपको पहले, एक सरप्राइज प्लान किया है एक चीज़ के लिए। इसने मेरे को बहुत बार कहा था, बोले मेरे को ये चीज़ मेरे पास होती ही तो बढ़िया होता। तो वो तो तुम हो इसको लगा मुझे को मैंने, अरे नहीं नहीं तुम तो बहुत पतली हो। तो मैंने इसको कहा था तुम्हारे लिए, तुमने गैस किया इसको, मैंने गैस कर लेना। तुम मेरे से एक चीज़ के लिए कहते थे मैं परेशान होती हूँ, ये वो फलाने डिम का है ना, एक तो कानों के लिए कहती हूँ। एक मिनट, किसके लिए कहती हो? एक तो कानों के लिए, कानों की वजह से मेरे पास है लेकिन मैं पहन नहीं सकती हूँ क्योंकि थोड़े पहनती हूँ दर्द हो जाता है, इसलिए कान बड़े हो रहे हैं। अच्छा, और एक ही अंगूठी की अंगूठी नहीं है मेरे पास, और मेरा पैन भी सही नहीं हो रहा, और बहुत सी चीजें भी बीमार। तो लेकिन इनमें से तीनों में से कोई सा गिफ्ट नहीं है, तुम क्या सोच रही हो? तुम खुश हो रही हो? मैं तीनों इनमें से तुम्हारे लिए जैसे कानों के पेंडल और अंगूठी लेके आके जाऊंगा तुमको, है तुमको क्या लगा? ये ऐसा लगा तुमको, लगता है मैं ऐसे दिखा सकता हूँ? पाईजेम? अरे तुम मेरे से कल परसों पाईजेम पूछ रही, तुम्हारे पाईजेम है कहाँ? कहाँ कहाँ पे ला के दिखाओ तो सही, कहाँ है? अब दोनों को गायब कर दिए, मेरे को क्या पता कहाँ है? नहीं बताओ सही कहाँ है तुम्हारे पायजेम? तो गाइस देखो बिना बिना पायल के रहती है लड़की, लुगाई अलुगाई है। तो ये कहना है कि अपने जो सामान है कीमती सामानों को ना अच्छे से रखना चाहिए फर्स्ट क्लास तरीके से। ये लुगाई रखती ही नहीं है, उसको सब में सब बिखेर के फकेर के ऐसे रखती है ऐसे। तो वीडियो बने रहो, आज का वीडियो बहुत हंसू जबरदस्त होने वाला है। आज है हमारी शादी की सालगिरह, आज हमारी शादी को होगा पूरे 10 साल हमको लड़ते झगड़ते प्यार मोहब्बत करते हुए। तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़े से, अगर लड़ाई झगड़ा करते तुम इतनी मोटी नहीं होती, सूख के कांटा होती। तो गाइस टेंशन का चेहरा मेरे जैसा होता है कि इसके जैसा होता है? कमेंट करके बता ना, टेंशन मेरे जैसे चेहरे पे दिखती है, इसके इसे चेहरे पे दिख रही है? तो मैं दुखी रहता हूँ क्यों? मैं इतनी मोटी हो रही, इसको दुखी करके भी कितनी मोटी हो रही। मैं टेंशन नहीं रहता, फिर भी मैं काला होता जा रहा हूँ। तो गाइस ये मेरी दुखते रख पे हाथ रख रही है, मैं इसे थोड़ी सी है ना डिशुम कर लेता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। और इसका प्लीज गैस करके आप भी कमेंट में बताना क्या है इसके लिए गिफ्ट, इसको भी सोचने पर मजबूर है शाम तक। ये देखो इसके डिमांड्स देखो, दिखा ना कैसे मंगलसूत्र दिला दूँ। ये देखो ऐसे कहाँ गए ये देखो, ये ऐसे मंगलसूत्र मांगती है, ऐसे मंगलसूत्र है तो सही मेरे पास है। पक्का दिला दूंगा ना, सुनो मेरी बात, पक्का दिला दूंगा, पैसे दे दो। नहीं आऊंगी। क्या हुआ? टमाटर ना लिया किया? तो गाइस देखो इन दो से ना इतना सा काम नहीं हो पाया। और ये क्या है? पनीर की सब्जी बना रही हो? वाओ, वो लात मार देगा तुम्हारी खींच के। वो आप आ गए इसलिए मारता है।
तुम्हारी खूबसूरत खूबसूरती को देख के और मुकुट की मारता है, मेरे को देख के मार देते हैं, बूंद डिसकल का आ गया है ये क्या इसमें दिखा रहा दिखा रहा वाओ देखो दोस्तों प्योर पनीर है, प्योर पनीर प्योर पनीर दोस्तों हमने टेस्ट करने वाला चैन पूरा से आया हमारे सबने फुहारी जाए देखो दोस्तों देखो 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 इस लुगाई को देखो ये तरह सा दिया मेरे को तरह सा लाभ तो चुप हुई अब तो घर देख हेमत दी दोनों मेरी गजन के साथ आज बारिश का बड़ा तगड़ा प्रकोप है लेकिन धूप भी आ रही है बरसात भी हो रही है समझ में कुछ आ नहीं रहा और ये देखो मैंने चदरें गीली होगी पूरी पूरी क्या होगी चदरें गीली क्या बोल रही हो हैं सब्जी कम होगी तो पानी डाल दें अरे राम जी तो पहले ग्रेवी उस हिसाब से बनाती तो पानी डालने के लिए क्या है लादे पड़े लिए खींच रहे थोड़ा दूर है तू यार पूरा पूरा जोर लगा दे लादे पाऊ मैं तो गाइस सब इसमें वो तो नहीं डाली तुमने नहीं मड़ाई तुम दिख तो नहीं रही मड़ाई है तुम खा तो नहीं गई मैं डाल दे इसमें थोड़ी सी मेरे थोड़ी सी इधर डाल दूँ थोड़ी सी मुँह में इधर देखना देखना इधर देखना ये लगी हुई ना कैसे किरण ने मेरे को कॉफ़ी पिलाई इस कॉफ़ी के अंदर कितने सारे कीड़े हैं अरे सुनो रे सुनो ये इसमें काले काले क्या हैं इधर देखना देखो सही काले काले क्या हैं इसमें कीड़े तो कॉफ़ी बीन्स तो ढंग से पकाते हैं इसे और फिर छान के देते हैं इधर देखो बिना छाने तो ऊपर से क्यों डाली थी किसने कहा पकड़ो इसे वाह और यार गरम गरम कचौरी बना रही होगी तुम हैं अरे तो पूड़ी है हैं गोल गोल कचौरी का इस देना कमेंट करके बताना दे गोल गोल कचौरी जैसे फूली हुई है ना पूड़ियाँ सफोला हाथ में बनाई हुई हैं गर्मा गर्म है तो गाइस आटा लग गया ये होगी और सब्जी को अभी भी ये उबाले जा रही है क्यों उबाले जा रही है क्योंकि इसने मेरे को चखाया मेरे को चखे के मैं बोला यार ये क्या किया है अरे अभी बता दो ना सुनो मेरी बात है यार दीदी आ नहीं सके क्योंकि दिया जी का ऑफिस चले गए इसको ज़्यादा मत करो ख़राब हो जाएगी सब्जी नहीं क्या अब तो वो अलग अलग देगा इसी इसमें सब्जी बनाने वाली ये है लेकिन बताना मेरे को पड़ रहा है चलो चल भाई लगा रखा जी मैं तीन तीन हाँ देखो ये हमारे गोल बना चल भाई हाँ हलवाई जमा को ये देखो हलवाई ला रहे जमा के लाइन सू है दस आदमियों को खानू जमा के 435 आदमी 435 को सही हाँ अरे मिठाई भी आ गई कहीं ले मिठाई ये को नहीं नीचे बर्फी का डिब्बा दिया तुम मैन मैन आदमी के लिए अच्छा और गाइस जिसको मैं नींबू खाना हो इतना मोटा सारा आ जाओ तंदुरुस्त रहो से इसके काटने में थोड़ी देरी हो रही थी तो वो अगले पार्ट में आएगा तो अभी के लिए इतना ही बने रहो ब्लॉग में अगला ब्लॉग जरूर देखना अगला ब्लॉग में किरण को मैं शानदार सा गिफ्ट दूंगा गिफ्ट में क्या है प्लीज़ अभी कमेंट करके बताना आप गैस करके बताना क्या हो सकता है तो तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट मिलते हैं अगले ब्लॉग में क्योंकि आठ मेरे को अभी एडिट करते करते वेट करते करते तो 8:15 तो बज गए फिर मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इसीलिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट आएगा ब्लॉग का उसमें आप देखना बाय बाय जब तक ये तैयार हो जाती है तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल के सेकेंड पार्ट में तो सेकेंड पार्ट मिस मत करना गाइस